हेलो एवरीवन, मैं हूं नंदिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बीइंग अ होम मेकर और यू कैन से अ हाउसवाइफ और अ होम मैनेजर, आई ऑलवेज वांटेड कि मैं किचन में कम से कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकूं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का मैं यूज़ करती हूं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, जिससे कि मेरा टाइम बचता है और मेरा किचन भी ऑर्गेनाइज रहता है। आई होप कि ये प्रोडक्ट्स आपके लिए भी यूज़फुल रहेंगे। तो पहला प्रोडक्ट है मेरा 12 पीस ऑफ, मतलब 12 का सेट में मुझे रिसीव हुआ था। ये कांच के जार हैं और मीशो से हैं, बहुत 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 सही है ये प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। आपके खड़े मसाले या छोटा मोटा सामान रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट है ये एक 4 पीस का, मतलब 4 सेट ऑफ मुझे ऑर्गेनाइज़र मिला था जो कि मल्टीपर्पज़ है। इसको आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं एंड बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, और घर पर ऐसी कुछ चीज़ों को रखने के लिए यूज़ करना चाहें, बच्चों के रूम में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मुझे एक्चुअली माय किचन इज़ नॉट टू बिग, नॉट टू स्मॉल, बट उसके लिए एक्चुअली क्या है ना, मुझे किचन में थोड़ा इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इफ़ यू हैव अ स्मॉल किचन एंड यू वॉन्ट समथिंग लाइक दिस, तो यू कैन गो फॉर दिस वन। 4 का पीस है, 3 मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं और मेरा छोटा मोटा सामान जो है वो आराम से यहाँ पर आ जाता है ईजिली, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी इस प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी है और इसमें एडहेसिव दिए हुए हैं, तो आपको दीवार में होल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है ये ऑयल डिस्पेंसर का सेट, जिसमें कि मुझे ये 4 छोटी छोटी कांच की बॉटल भी रिसीव हुई थी। एक मुझे वो भी रिसीव हुआ था कीप, और एक स्पैचुला, वो किसी काम का नहीं था मगर वो पता नहीं कहाँ खो भी गया, मुझे पता भी नहीं, बट ये यूज़ होता है मेरे। 2 ऑयल डिस्पेंसर हैं, कांच की बॉटल्स आप देख सकते हैं। और इसमें क्या रहता है ना कि तेल अगर आपके हाथ से ज़्यादा डल जाता है ना सब्ज़ी में, तो उसके लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि इसकी ना जो धार है वो बहुत पतली आती है, तो आपका तेल ज़्यादा नहीं डलेगा। दूसरा जो छोटी छोटी 4 बॉटलें हैं ना, इसमें आप अपने चाट मसाला, नमक, काला नमक, ज़ीरा पाउडर, इस तरीके की चीज़ें रखने के लिए कई बार हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। छोटी छोटी जो शीशे होती है उसके लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कॉर्नर में ऑर्गेनाइज करने के लिए कॉर्नर ऑर्गेनाइज़र है। इसमें भी आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें। मैं जैसे यहाँ पर कप वगैरह यूज़ कर रही हूँ, कप रख रही हूँ, आप यहाँ पर जार रख सकते हैं, और नीचे जो स्पेस है ना वहाँ पर आप अगर चकला बेलन यूज़ करते हैं तो वो रख सकते हैं, अदरवाइज़ या फिर जो कैसरोल यूज़ करते हैं, अगर मतलब ऑब्वियसली यूज़ करते ही होंगे, तो वो रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। सो काफ़ी सही रहता है, कॉर्नर में आराम से सेट भी हो जाता है। नेक्स्ट अगेन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक ये ऑर्गेनाइज़र, जो कि आप इसको अपना टी स्टेशन बना सकते हैं या फिर मसाले, दालें वगैरह यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी मैं इसे टी स्टेशन बना लेती हूँ, कभी मैं इसमें दाल वगैरह रख लेती हूँ, तो थोड़ा सा ये रहता है। कभी मेरा मन करता है कि थोड़ा चेंज करना है, तो मैं चेंज करती रहती हूँ अपने किचन में, घर में चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे रखकर दिखाया, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, एक चीज़ है कि बहुत छोटी छोटी जैसे शीशी अगर आपकी कुछ है या बहुत छोटा सा कुछ, मतलब छोटा है, तो वो थोड़ा सा ना इसमें नहीं आएगा, क्योंकि नीचे इस तरीके से ग्रिल लगाई हुई है, इसलिए। अदरवाइज़ क्वालिटी वगैरह सब सही है और सामान वामान ईजिली आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये रोटेटिंग ट्रे और ऑर्गेनाइज़र, व्हाटएवर यू कैन से, इसको आप किचन में यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है ये भी। अगेन फ्रिज में यूज़ कीजिए, डाइनिंग टेबल पर यूज़ कीजिए, या अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कीजिए, बहुत ही सही रहता है, मल्टीपर्पज़ यूज़ जाता है, और डाइनिंग टेबल पर तो ये बहुत सही लगेगा, किचन में भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे किचन में इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इस तरीके की चीज़ें रखती हूँ ताकि मेरा किचन ऑर्गेनाइज रहे, और जब मैं किचन में काम करने आऊँ तो मुझे चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज रखती हूँ। नेक्स्ट इसके साथ अब बाद में आपके साथ जो शेयर करूँगी वो है ये 6 पीसेस का एक और है, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रख दिया है, बट ये 6 का पीस मुझे रिसीव हुआ था, और ये देख सकते हैं आप, क्वालिटी इसकी बहुत 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 सही निकली गाइस। आप देख सकते हैं एज इट इज़ है, BPA फ्री, इसकी प्लास्टिक है बट BPA फ्री है, बहुत थिक, मतलब बहुत ही अच्छा निकला, और ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी आप रखेंगे इसके अंदर तो आपको इजीली दिखता रहेगा, तो वो नाइस पीस। नेक्स्ट मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए ये सेट ऑफ 2 इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र, जो कि अगेन ये भी मल्टीपर्पज़ यूज़ होगा, इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। अगेन इफ़ यू वांटेड टू, यू कैन पुट इट ऑन योर किचन और योर लिविंग रूम और योर बाथरूम, व्हाटएवर
way you want, you can use this. I have used it for my books and some awards of my husband, and this looks so pretty and so elegant in such an affordable price range. I really like the quality and the appearance of this product, so thumbs up from my side. ये जो आप दो persons देख रहे हैं ना साथ में, ये मतलब ये जो लगे हुए हैं ना, इसकी वजह से ना ये थोड़ा अलग सा पीस लगता है और एकदम सेम जैसे हम ऑर्गेनाइज़र अपने घर में यूज़ करते हैं ना, थोड़ा उस तरीके का ना लग के ये थोड़ा डिफरेंट लगता है, तो इसलिए मुझे ये पीस अच्छा लगा और इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ. इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत 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 ही यूज़फुल प्रोडक्ट जो कि है ये ऑर्गेनाइज़र. इसमें भी आप अपना काफ़ी सारा छुटपुट सामान रख सकते हैं. ये मैंने मल्टी कलर में मंगाया है, आपको इसमें सेम कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. ये आपको काफ़ी सारी जगहों पर मिल जाएगा. मैंने मीशो से मंगाया है तो मैं आपको मीशो का ही लिंक दूंगी. और छुटपुट सामान है आपका कुछ भी है तो स्पेस आप देखिए, काफ़ी अच्छा स्पेस है तो आराम से आपका किचन में ये आ जाएगा. और किचन में ना सही, अगर आप इसे किसी और जगह पर यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, मिल्टन की ब्रास की बॉटल है विच इज़ वेरी 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 नाइस. और ये काफ़ी टाइम हो गया है तो थोड़ा सा इसमें ऑक्सीडाइजेशन बाहर से आपको दिख रहा होगा, मगर ये जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मी के लिए बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है. आप इसे पानी भर के रख दीजिए, सुबह पीजिए, एंड दिस इज़ अ हेल्दी ऑप्शन. तो ये मुझे आपके साथ भी शेयर करना था. सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इसी तरीके की और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा. थैंक यू.